बच्चों, आज मैं आपको आपकी जो सप्लीमेंट्री रीडर बुक है जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 7 जो है, जिसको मैंने आपको समझाया था, क्या नाम था? द नेकलेस, यानी हार। इस चैप्टर को मैंने आपको समझाया था कि मटिल्डा नाम की एक जो लड़की रहती है मिडिल क्लास, वो क्या करती है, एक हीरो का हार अपनी दोस्त से लेती है एक पार्टी में पहनने के लिए। उसके बाद वो हार उससे गुम जाता है और उसके बाद उसको वो असली हीरो का हार समझ करके बहुत बड़ा उधार ले करके वो और उसका हस्बैंड अपनी दोस्त को जो है वो पैसा चुका, मतलब ऐसा ही सेम नेकलेस दे देता है। उसके बदले में वो 10 साल तक इतनी परेशानी से अपना जीवन जीती है, सबका वर्णन मैंने आपको इसके प्रीवियस वीडियो में किया था। तो आज हम उससे रिलेटेड उसके क्वेश्चंस आंसर्स डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज मैडम लोसेल, व्हाई इज शी ऑलवेज अनहैप्पी? या क्वेश्चन सेकंड कैसे पूछ सकते हैं, व्हाई वाज मटिल्डा ऑलवेज अनहैप्पी, यानी मैडम लोसेल जो थी या जो मटिल्डा थी वो कैसी रहती है, ना खुश रहती, खुश नहीं रहती, क्यों? आंसर देखें, मटिल्डा हैड अ रोमांटिक नेचर, शी वाज लॉस्ट इन ड्रीम्स। मटिल्डा वॉज अनहैप्पी बिकॉज शी हैड नो डाउरी, शी हैड नो होप, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, शी वॉज प्रिटी, शी वॉन्टेड टू बी नोन एंड लव्ड बाय रिच मैन, बट शी वॉज बोर्न इन अ पुअर फैमिली। अब जो मटिल्डा रहती है वो बहुत रोमांटिक नेचर की रहती है, हमेशा एरिस्टोक्रेटिक और हाई फाई लाइफ को जीना चाहती है, जिसको वो जिसके वो हमेशा सपने देखा करती थी। तो वो इसलिए दुखी रहती है क्योंकि उसको कोई बहुत ज़्यादा पैसा या दहेज प्राप्त नहीं होता अपने माता पिता से, उसके पास कोई आशा भी नहीं रहती कि वो बहुत रिच हो सके, क्योंकि उसका हस्बैंड भी क्या रहता है, एक पेटी क्लर्क रहता है। वो बहुत सुंदर और आकर्षक रहती है और वो हमेशा चाहती है कि उसकी शादी जो है वो किससे हो, एक अच्छे धनाढ्य घर परिवार में हो। लेकिन वो कहाँ पैदा होती है, एक बहुत पुअर फैमिली में जा कर के पैदा होती है, इसलिए वो हमेशा अनहैप्पी रहती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज हर हस्बैंड, उसका जो हस्बैंड है मटिल्डा का वो किस प्रकार का व्यक्ति रहता है। हर हस्बैंड इज अ वेरी सिंपल हार्टेड पर्सन, ही इज एन ऑर्डिनरी पर्सन, ही इज अ केयरिंग हस्बैंड, ही वॉन्ट्स टू सी मैडम लोसेल हैप्पी। उसका जो हस्बैंड रहता है मटिल्डा का वो कैसा रहता है, वेरी सिंपल हार्टेड पर्सन, मतलब बिल्कुल साधारण व्यक्तित्व का रहता है और बहुत क्लीन हार्टेड रहता है। ही इज एन ऑर्डिनरी पर्सन, वो एक कॉमन मैन की तरह रहता है। ही इज अ केयरिंग हस्बैंड, वो अपनी पत्नी की बहुत परवाह करता है। ही वॉन्ट्स टू सी मैडम लोसेल हैप्पी, वो चाहता है कि उसकी पत्नी या जो मैडम लोसेल है वो कैसी रहे, हमेशा खुश रहें, इसलिए वो तरह तरह के प्रयत्न करता है अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब मैडम लोसेल, ऐसी कौन सी समस्या थी। वैसे तो मैडम लोसेल कह रहती हमेशा चिंताग्रस्त रहती क्योंकि वो बहुत रिच नहीं हो पा रही थी, लेकिन अभी कौन कौन सी ऐसी समस्या आई जिसने क्या किया, मैडम लोसेल को टेंशन में डाल दिया। तो आंसर, द फ्रेश प्रॉब्लम इज, जो फ्रेश प्रॉब्लम है वो क्या है, मैडम लोसेल डजंट हैव अ प्रिटी एंड प्रॉपर ड्रेस फॉर द पार्टी। सबसे बड़ी समस्या क्या हो जाती है मैडम लोसेल के पास, कि उनके पास पार्टी में पहनने के लिए बहुत सुंदर और एक सही जो कॉस्ट्यूम है, जो ड्रेस है वो नहीं रहती है। उनके हिसाब से उनको लगता है कि उनके पास पार्टी वेयर एक अच्छी ड्रेस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बच्चों, हाउ इज द प्रॉब्लम सॉल्व, अब इस समस्या को कैसे सॉल्व किया गया, कैसे इस समस्या का निदान निकला। आंसर, द प्रॉब्लम इज सॉल्व व्हेन हर हस्बैंड गिव्स हर 400 फ्रेंड्स, इट इज टू बाय अ प्रेटी ड्रेस फॉर द सैड पार्टी। अब क्या बोलते हैं कि उसकी जो समस्या थी कि उसके पास एक अच्छी और प्रेटी ड्रेस नहीं है पार्टी के लिए, तो उसका जो हस्बैंड रहता है वो उसको ड्रेस बनवाने के लिए कितने पैसे देता है, 400 फ्रांस देता है, जो कि उसने खुद के लिए रखे रहते हैं, लेकिन वो उसको 400 फ्रांस दे देता है जिससे कि वो उस पार्टी में जाने के लिए एक अच्छी सी ड्रेस खरीद सके। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू मैडम मिस्टर एंड मैडम लोसेल डू नेक्स्ट, अब उसके हस्बैंड और जो मैडम लोसेल है वो क्या करते हैं। आंसर, मिस्टर एंड मैडम लोसेल डिसाइडेड टू बोरो अ डायमंड नेकलेस,
इट इज फ्रॉम हर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर. अब जब मटिल्डा के पास पेटी ड्रेस आ जाती है तो नेक्स्ट प्रॉब्लम उसकी क्या उत्पन्न होती है कि उसके पास एक बहुत अच्छा सा पार्टी वेयर कोई ज्वेल नहीं है, कोई ज्वेलरी उसके पास ऐसी नहीं रहती जिसको वो पार्टी में पहन सके. तो बाद में उसका हस्बैंड और उस जो मैडम लोसेल रहती है वो क्या करती हैं कि मैडम मिस्टर एंड मैडम लोसेल डिसाइड, वो डिसाइड करते हैं कि एक हीरो का नेकलेस किससे लेंगे, उधार लेंगे. और वो किससे प्राप्त करेंगे उधारी में, वो मटिल्डा अपनी फ्रेंड जिसका नाम रहता है मैडम फॉरेस्टियर, यानी मैडम फॉरेस्टियर से वो डायमंड नेकलेस उधार लेंगे ताकि उनकी जो पार्टी में ज्वेल पहन के जाने की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके. अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस. वो जो नेकलेस है क्या होता है इस बीच में, जब वो पार्टी में वो नेकलेस पहन के जाती हैं, नेकलेस गुम जाता है, तब उसके बदले में वो कैसे नेकलेस दोबारा रिप्लेस करती हैं. आंसर, दे बारो मनी, दे शिफ्ट टू अ चीप हाउस, दे सेव एवरी सो पॉसिबल. मैडम लोसेल डज ऑल हर वर्क हर सेल्फ, दे बाय अ न्यू रियल डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस द लॉस्ट वन विच इज फेक. अब क्या होता है यहाँ पे, ये बिल्कुल ध्यान देना, ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है. तो क्या है कि वो उस डायमंड नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए बोरो मनी, सबसे पहले वो पैसा उधार लेते हैं. आप पैसा उधार लेने के बाद पैसा चुकाना पड़ेगा तो वो अपने खर्चों में कटौती करते हैं. तो क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या लेते हैं, दे शिफ्ट टू अ चीप हाउस, वो एक सस्ते घर में जाके रहते हैं. सेकेंड स्टेप क्या करते हैं, दे सेव एवरी सो पॉसिबल, सो यानी सबसे छोटी यूनिट वहाँ की करेंसी की, तो वो एक एक सो, एक एक पाई जिसको कहते हैं ना, तो वैसे एक एक पाई बचा के रखते हैं. थर्ड, मैडम लोसेल डज ऑल हर वर्क हर सेल्फ, अब हर काम के लिए जो उन्होंने मेड लगाए हुए थे, सर्वेंट्स लगाए हुए थे, वो हटा दिए और अब अपना काम वो खुद करने लगी. दे बॉय अ न्यू रियल डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस द लॉस्ट वन विच इज फेक. और इस सब करने के बाद उन्होंने क्या खरीदा, डायमंड नेकलेस रियल वाला, यानी रियल डायमंड का नेकलेस खरीदा और उसको दे दिया. किसको दे दिया, मैडम फॉरेस्टियर को. लेकिन वो जो रियल डायमंड नेकलेस था उनको बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि जो मैडम फॉरेस्टियर से उनको नेकलेस मिला था वो कैसा था, फेक यानी नकली था. अर्थात नकली डायमंड नेकलेस के बदले उन्होंने असली डायमंड नेकलेस रिप्लेस कर दिया. क्वेश्चन नंबर 7, What would have happened to Matilda if she had confessed to her friend that she had lost her necklace? अब 10 साल बाद ऐसा समय आता है कि Matilda मैडम फॉरेस्टियर को देखती है और उसको याद आता है कि मैंने जिसको नेकलेस जो है वो रिप्लेस कर दिया था, दे दिया था. तो चलो अब मैं इसको जा कर के बताती हूँ कि सही बात क्या थी, क्योंकि मैडम फॉरेस्टियर को उन्होंने ये बात नहीं बताई थी कि उनका नेकलेस गुम चुका है और उन्होंने उसके बदले में दूसरा नेकलेस रिप्लेस कर दिया था. तो क्या होता है, आंसर, इट कुड हैव चेंज्ड हर लाइफ, शी कुडंट हैव सीन द डे ऑफ वांट एंड मिसरी, शी वाज द वुमेन ऑफ द पीपल, शी ग्रो ओल्ड इन हर यूथ, शी सफर्ड अ लॉट ड्यू टू द हार्श लाइफ ऑफ वांट. इफ शी हैड कन्फेस्ड बिफोर मैडम फॉरेस्टियर, शी कुड हैव बीन एक्सक्यूज्ड. It was because the lost necklace was a fake one. अब यहाँ पर ये सब जो जब वो diamond necklace replace करती है तो उससे उसकी life क्या हो जाती है, change हो जाती है. वो अच्छे दिनों जो चाहती थी उसको वो बहुत अच्छे से नहीं जी पाती है और बहुत दुख भरी जिंदगी जीती है. वो women of the people मतलब एक common women की तरह रहने लगती है और वो अपनी युवा अवस्था में ही कैसी दिखने लगती है, ज़्यादा काम करके बोझ, घर के बोझ के कारण ओल्ड दिखने लगती, बूढ़ी दिखने लगती है. वो सारी जिंदगी जो है वो बहुत सफ़र करती है, जो वो चाहती है वो उसको नहीं मिल पाता क्योंकि उसको उतना सारा जो बोरोड मनी है वो चुकाना रहती है. अगर उसने मैडम फॉरेस्टियर के सामने बोल दिया तो उसको शायद अच्छा लगेगा, इसलिए वो बता देती है कि ये जो लॉस्ट नेकलेस था वो कैसा था, नकली था. तो बच्चों ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स द नेकलेस के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. मुझे आशा है कि आप इन्हें नोटबुक में नोट करके और अच्छे से लर्न करेंगे. थैंक यू बच्चों.